तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स का। और जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आप लोग देख रहे हैं, ही इज एन ऑनेस्ट। और यहाँ पर ये सेंटेंस कई सारे बच्चों ने रिप्लाई दिया है, इसमें कोई एरर नहीं है। इट मीन्स इट इज टोटली करेक्ट, ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन बेटा, यहाँ क्रॉस का भी साइन लगा है और सीधा सीधा बताता है ये सेंटेंस टोटली क्या है, रॉन्ग, गलत है। अच्छा, क्यों रॉन्ग है, इस चीज की हम बात करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, और ये क्लास है आर्टिकल। आज हम लोग करने वाले हैं पोस्टमार्टम ऑफ आर्टिकल। चलो पहले इसको एरर करते हैं। अभी आप लोग खुद ही बताओगे, मैं पहले समझा देता हूँ, तो आप लोग खुद ही बताओगे ये सेंटेंस आपका गलत है या सही है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख सकते हैं अपने फोन। चलिए ठीक है, बाकी इन सबका जो है पीडीएफ यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, ओ सॉरी, पीडीएफ बना दिया जाएगा और जिसको चाहिए होगा उसको भेज दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसको पहले इरेज कर दिया जाए फिर बताया जाता है ना। आ जाते हैं अब हम लोग, देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम है बेटा आर्टिकल है, टॉपिक का नाम है आर्टिकल है, और इसके साथ में जो है, 1 मिनट भाई, ये ब्राइटनेस ठीक है। आप टॉपिक का नाम आपका आर्टिकल है, और देखिए आर्टिकल की वैसे अगर हिंदी कोई खास होती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद होती है। जो आर्टिकल की हिंदी होती है वो क्या होती है, उपपद होती है। क्लियर है ना। अब देखिए आर्टिकल किसे कहते हैं, तो इसमें इसका कोई खास बहुत खास डेफिनेशन नहीं है। आप सिंपल से इतना याद रखिए कि ए, एन और द, मतलब तीन है, ए, एन, द, इन्हीं तीन को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव के टाइप्स में आपको मिलेगा कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है। लेकिन अभी सिंपल से याद रखते हैं, ए एन द इज कॉल्ड आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल। अब यहाँ ये हो गया आपका आर्टिकल, इन्हीं ए एन को टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया बेटा, है ना। और ये किस बेस पर डिवाइड किया गया है, देखिए ये इस बेस पर डिवाइड किया गया है, ये जो ए एन, ये जो द है, मतलब ये जहां भी जिसके भी साथ लगता है वो फिक्स है। द का यूज जैसे फिक्स है, जैसे आपका कोई भी होली बुक होगा, रिलीजियस होगा, है ना, रिवर्स होगा, ओशियंस होगा, तो इनके साथ ये फिक्स है कि हाँ भाई इनके साथ में द ही लगेगा। तो इसको यानी कि द को रखा गया बेटा डिफिनिट आर्टिकल में रखा गया, डिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है। अभी आप लोग का जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, बस अभी आप लोग तुरंत आंसर करोगे और खुद ही एक्सेप्ट करोगे नहीं वो सेंटेंस गलत है ना। और ये देखिए, ये जो ए एन होता है बेटा, ए एन का यूज कहाँ करें, कैसे करें, कब करें, इसका कोई डेफिनेट नहीं, इसका रूल डेफिनेट नहीं। ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, कंडीशन कौन सी है, वो कौन सी कंडीशन कह रहा है। इसलिए ये चूंकि ए एन का यूज कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसको रखा गया बेटा इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा गया। आप चाहें तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है ना। तो डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन आता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आगे आते हैं, बस अभी आप लोग का तुरंत आंसर मिलने वाला है ना। चलिए आ जाते हैं, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अभी सारा बताया जाएगा बेटा, ये पता कैसे चलेगा, कहाँ ए लगाया जाएगा, कहाँ एन लगाया जाएगा। डोंट वरी, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, वहीं पर आ रहे हैं ना। तो हम लोग बात करते हैं, अब पहले इंडिफिनिट आर्टिकल की बात कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। देखिए बेटा, इंडिफिनिट आर्टिकल में दो चीजें आती हैं, एक आती है ए, एक चीज आती है एन। आप सिंपल सा याद रखिए, अगर कभी भी बात हो वॉवेल साउंड की बात हो, कभी किसकी बात हो, वोवेल साउंड की बात हो, वोवेल प्रोनंसिएशन की बात हो, तो वहां पर एन आएगा बेटा। ये भूल जाओ आप कि वोवेल के साथ में ए ई आई ओ यू के साथ में एन लगेगा, नहीं, आपको ये चीज नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है
कभी भी अगर वोवेल साउंड की बात होगी, वोवेल साउंड की बात होगी तो वहां पर एन लगाना, क्लियर? हाँ, अब ये एक प्रश्न ये भी है भाई, वो ऑनेस्ट जो वोवेल साउंड था बिल्कुल था, लेकिन अभी भी वो गलत है, अभी बताया जा रहा है, डोंट वरी भाई, समझ रहे हैं आप लोग का मतलब, अभी तक का इंग्लिश पूरा एकदम मतलब गलत कर दे इसने, अभी उसका भी रीजन अभी आप खुद ही करोगे, हाँ सर सही। और ये ए जो होता है ये हमेशा यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है, बस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, यानी कि कॉन्सोनेंट प्रोनंसिएशन के लिए, ये चीज दो चीज आप याद रख लीजिए, सारा का सारा कवर, क्लियर? तो इसको आप चाहे तो लिख लीजिए या नोट बना लीजिए या जो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बाद में लिख लीजिए, है ना? तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई, एन आप भूल जाओ कि एन ए ई आई ओ यू के साथ लगता है, एन भाई ए बी सी डी ई एफ इन सब के भी साथ लग सकता है, अगर उसका साउंड वोवेल से आ रहा है तो, अगर साउंड उसका किससे है वोवेल साउंड से, वोवेल साउंड का मतलब हिंदी में समझ लीजिए थोड़ा छोटा आ से लेकर कहाँ तक, हिंदी वाले स्वर के साउंड, छोटा आ से लेकर यहाँ आह तक इस तरह साउंड में आ रहा है तो वहां पर क्या लगेंगे एन, नहीं तो ए लगेंगे। अब चलिए आते हैं, अभी भी प्रश्न बना है कि ऑनेस्ट में तो अ, यानी कि वहां तो ओवल साउंड है तो एन क्यों नहीं लगा, चलो उसका भी बताया जा रहा है एन लगा क्यों नहीं भाई, आते हैं यहाँ पर, है ना? तो चलिए पहले इसको इतना आप लोग लिख लीजिए, इसको इरेज कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं उसी चीज पर आते हैं, एक चीजें तो क्लियर हो गया है ना कि वोवेल साउंड के लिए एन आएगा, लेकिन सुनो अब बेटा ए और एन, ए और एन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ए और एन इज ऑलवेज यूज्ड, इज ऑलवेज यूज्ड फॉर, इज ऑलवेज यूज फॉर नाउन, आपको ये चीज दिमाग में रखना है बेटा, ए या एन का यूज कभी भी करेंगे तो किसके सेंस में करेंगे, नाउन के लिए करेंगे, नाउन के लिए ए या एन आता है, क्लियर? तो यहां लिख लीजिएगा ए और एन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन, साथ में लिखते भी चलिए, ए या एन का यूज हमेशा नाउन के लिए करेंगे। अब आपके प्रश्न का जवाब हम देते जो मैंने क्वेश्चन यानी कि स्टार्टिंग में आपसे किया, तो देखिए बेटा इसको पहले इरेज करते हैं, है ना? यहां पर देखिए यानी कि ओवरऑल जो आपका ए या एन आता है, जो आपका एन या ए होता है इसका यूज किया जाता है नाउन के लिए, है ना? एन ओ यू एन नाउन के लिए होता है। बेटा यहाँ एक सेंटेंस लिखा गया था और वो सेंटेंस क्या था, ही इज एन ऑनेस्ट, और हमने कर दिया ये सेंटेंस बिल्कुल है गलत, क्यों बेटा? क्योंकि ये जो ऑनेस्ट है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो ऑनेस्ट है ये बेटा ही के बारे में बता रहा है, और ही जो है आपका प्रोनाउन है, और ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है बेटा वो होता है एडजेक्टिव होता है, वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है। ए या एन हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है मेरे दोस्त, किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। तो यहां पर ना तो ए होगा और ना ही एन होगा, यानी कि किसी का भी यूज नहीं होगा, है ना? यहां पर करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज ऑनेस्ट होगा। अगर बात करें करेक्ट सेंटेंस की तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ही इज ऑनेस्ट होगा, वो ईमानदार है, ये चीज होगा। हाँ, अब उसी पर आते हैं, है ना? उस पर भी आते हैं, इतना समझ में आया? इसको तुरंत स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, तो अब एक प्रश्न और है एक बच्चे का, यहाँ से प्रश्न है, उसका प्रश्न ये है कि एक मिनट, ये चीज आपको याद रखना है, एन यहाँ पर जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, सॉरी एन ऑनेस्ट, ये आपका सेंटेंस गलत है, लेकिन अगर यहीं पर ऐसा सेंटेंस होगा यानी कि इस फॉर्म में होता ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, बेटा अगर सेंटेंस इस तरह से होता तो ये बिल्कुल 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 सही है आपका। क्यों सही है?
बेटा पर्सन एक नाउन है ना, नाउन के लिए एन आया है, लेकिन साउंड जो है ऑनेस्ट, अ अ है ना, ऑनेस्ट ऑन वाला अ है इसमें, तो अ जो साउंड वॉवेल है इसलिए यहाँ एन। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है ना, लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार बता दीजिए, किसी को इसमें कोई दिक्कत है एक बार जल्दी आप लोग बता दीजिए भाई, किसी को इसमें कोई समस्या है? चलिए, साक्षी पांडे ने क्वेश्चन किया था ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बेटा मैन जो है आपका क्या है, वो मैन क्या है, एक कॉमन नाउन, मैन नाउन है लेकिन कॉमन नाउन है, जैसे यहाँ पर्सन भी एक प्रकार का कॉमन नाउन ही है, जो आल कैटेगरी को शो करे उससे रिलेटेड वो होता है, कॉमन नाउन होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और लग भी रहा होगा नहीं यार कुछ नया मिल रहा है, क्योंकि यार माइंड में ना ये आप लोग के माइंड में फिट रहता है कि आर्टिकल तो हम पढ़े ही है ना, और आर्टिकल कैसे पढ़े हो भाई, अब तो कुछ हमें लग रहा होगा कि आप लोग को नया तो मिल ही रहा होगा। चलिए तो एक एकदम से ये समझ लीजिए डेमो था भाई आपका, एक बेसिक रूल था है ना, इस तरह से मतलब यहाँ बताने का मतलब यही था कि गलती इसी तरह से हो जाती है, और हम लोग यार मुस्कुराते हुए ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं सही, और जब एग्जाम के बाहर निकलते हैं तो कहते हैं अरे यार गलत कर दो है ना, तो वहां पर गलत हो जाता बाद में फिर। चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम लोग है ना, आते हैं अपने इस पर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो क्लियर हो गया कि ए या एन, या एन या ए हमेशा नाउन के लिए आता है, ये फर्स्ट रूल है, डन है ना। अब देखिए लेकिन समझिएगा, अगर नाउन के पहले बेटा कोई एडजेक्टिव आता है तो ए या एन जो है एडजेक्टिव के साउंड के से आता है ना, मतलब अब यहाँ पर नाउन के लिए तो आएगा आपका, जैसे अभी आपने देखा था एन ऑनेस्ट है ना, और यहाँ पर मैन, तो भाई देखिए मैन या पर्सन, मैन के लिए तो ए या एन आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन अब प्रॉब्लम फंस गए यार, क्या रखें, ए रखें कि एन रखें, तो नाउन का साउंड नहीं देखा जाएगा, आपको ये चीज ध्यान देना है, मैन का मा से शुरू हो रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा है ए आना चाहिए, नहीं, नाउन के लिए आता है लेकिन साउंड अपने से पहले जो भी एडजेक्टिव यूज होता है उस एडजेक्टिव का साउंड लेता है, तो यहाँ पर बेटा ऑनेस्ट वॉवेल साउंड है, और ये वॉवेल साउंड कहता है कि भाई आप ए मत आओ एन आओ, क्लियर, तो एडजेक्टिव के अनुसार आता है आपका ए आता है या एन आता है, डिपेंड करता है एडजेक्टिव की साउंड कैसी है, तो यहाँ पर यहाँ डिपेंड करता है एडजेक्टिव की साउंड कैसी है, एन भी आ सकता है ए भी आ सकता है, साउंड वॉवेल है तो वहां पर क्या आएगा एन आएगा, साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहां पर क्या आएगा आपका ए आएगा एडजेक्टिव, डन है ना, ये आपका एकदम बेसिक सा रूल था। अब चलिए हम आगे चलते हैं इसे, आप चलिए अगर हो सके तो साथ में नोट बनाते रहिए, और भाई आप लोग जो है म्यूट कर लीजिए कि ताकि आपके और किसी बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो, ये किसका, एक मिनट, लोधी, अच्छा जी, चलिए भाई अब यहाँ शुरू करते हैं, तो ये चीज हो गया, अब इसको इरेज किया जाए और नेक्स्ट रोल पर आते हैं। एक मिनट भाई, एक बच्चे ने मैसेज किया, लगता है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। आस्था ने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी सर आई एम अनेबल टू टेक क्लास बिकॉज माई स्कूल ऑनलाइन, ओके बेटा नो प्रॉब्लम, यू कैन गो, वीडियो इज प्रिपेयरिंग, वीडियो बन रहा है, अपलोड कर दिया जाएगा, बाद में आप देख, आगे आते हैं लोग टॉपिक पर, तो ये हो गया, अब थोड़ा डिटेल की बात करते हैं, देखिए इसमें बहुत ज्यादा, हाँ लेकिन एक चीज है यार, एन का यूज आपको ये चीज दिमाग में एकदम फीड कर लो कि वॉवेल साउंड के लिए आता है, लेकिन ये कंफ्यूजन कर देता है, क्योंकि यार बचपन से हमें क्या रटाया गया है, बचपन से रटाया गया है कि बेटा ए ई आई ओ यू के, अगर किसी शब्द में कोई वर्ड आपका ए आई ओ यू से स्टार्ट हो है ना, तो वहां पर आप क्या लगा दो, एन लगा दो, बचपन से ही रटाया गया है,
और तुरंत ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए यूनिफॉर्म, बताइए बेटा यूनिफॉर्म के पहले आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे, ये देखो ऐसे प्यार से लगाओगे, गजब सर, हाँ है ना। तो यहाँ पर बेटा एन नहीं लगाएंगे आपको, ये नहीं, ये यार भूल जाओ, वो बचपन के लिए सही था है ना, अब ऐसा लगाओगे पूरा नंबर ही कट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा यहाँ साउंड आपको देखना है, अब आपको ये नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू से शुरू है तो एन लगाए, नहीं, अब इसको एकदम भूल जाना, वो किसी से भी शुरू हो डजेंट मैटर, आपको हर कंडीशन में क्या देखना है, साउंड। तो यहाँ पर इसको बेटा ऐसा होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इस तरह से होता है, या से शुरू होता है यार, या पर बड़ा ओ की मात्रा, या क्या है आपका कॉन्सोनेंट है ना, जब कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए एन लगाएंगे, नहीं इसके लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा आ यूनिफॉर्म, समझ में आया। इसी तरह एक और देखिए, इसको आप लोग लिखते चलिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी मैं ले रहा हूँ आप सबके पास भेज दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर मेरा तो पता ही है, आप लोग जो है बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए फिर, अभी दो बच्चे और बचे हैं, बाकी सारे बच्चे जा चुके हैं है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं आप दोनों जब तक, यार सबकी क्लास वगैरह रहते हैं ना इसलिए सारे बच्चे जो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे बात किया जाए आवर, देखिए एक लाइव क्लास करने में और एक यूट्यूब वाली जमीन आसमान का अंतर रहता है। देखिए बेटा आवर, आप बताइए यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, एन लगेगा, अब ये तो एच से शुरू है, हाँ यहाँ पर बोला जाता है आवर, आ मतलब हिंदी का स्वर है, वॉवल से साउंड है, इसलिए एन लगेगा। आई होप अब ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कहाँ एन लगेगा कहाँ ए लगेगा है ना। अब आते हैं हम लोग अपना जो है नेक्स्ट यूज, यानी कि जो सबसे खतरनाक होता है, यार खतरनाक होता नहीं होता लेकिन उसमें कई सारे रूल हैं समझना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ द, द का जो है आर्टिकल क्या होता है, द का यूज क्या होता है। 11 बजे से मेरी भी क्लास है, कोई बात नहीं साक्षी पांडे, 11 o'clock से, अरे हाँ इन लोग की भी क्लास है भाई, अब क्या करें है ना। चलिए जब तक इच्छा हो तब तक करिए है ना, और क्लास में तो भाई अभी 11 बजे से 11 o'clock से शुरू करेंगे, मतलब कथा है ना, ऑनलाइन क्लास मैंने एक बच्चे का देखा, ऐसा लग रहा था यार कथा चल रहा था, हाँ अटेंडेंस ही 1 घंटे चलती है। चलो ठीक, हाँ स्कूल बेटा खुल गया 16 अगस्त से, एकदम कंफर्म है, अभी पता भी नहीं, हो सकता है बदल जाए पास, चलो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन है ना। आते हैं भाई, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा यूज ऑफ द, द का यूज, देखिए भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, सिंपल सा, और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं होगा, नीदर रिवर के लिए, देश दुनियादारी के लिए नहीं रटना बेटा। द का यूज होता है परमानेंट होता है, सुनो पहले समझ लीजिए फिर लिखना आराम से, परमानेंट होता है, और जहां पर कोई भी चीज को, यार कोई भी चीज जब स्पेशल बना दिया जाए तो वहां पर द आ जाएगा, बस इतना याद रखो, केवल एक चीज याद रखो बेटा, कोई भी चीज को जब स्पेशल बना दिया जाए तो बेटा वहां पर द का यूज हो जाएगा है ना, कोई भी चीज जब स्पेशल बना दिया जाए तो वहां क्या लगता है, द बिल्कुल, अरे सॉरी द का यूज होता है, क्लियर है ना। अब लेकिन आपको इससे तो काम चलेगा नहीं, ये तो लास्ट में है, जब आपको ओवरऑल मतलब द के सारे यूज क्लियर हैं और उसके बाद में आप एक अपना ये कर दिए जहां पर स्पेशलिटी दिखाई जाए, जैसे आपको पता है यार प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले जो है किसी का भी यूज नहीं किया जाता, ना तो ए का यूज किया जाता है, ना तो एन का यूज किया जाता है, और ना ही द का यूज किया जाता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को हम क्या बना दें, स्पेशल बना दें, तो वहां भी द का यूज किया जाता है, जैसे यार राम, राम के पहले कभी द लगाओगे नहीं लगाओगे, लेकिन लगाया जा सकता है, वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन तब होगी जब उसको स्पेशल बना दिया जाए, स्पेशल का हाँ एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, चलिए इसको पहले इरेज कर दिया जाए है ना।
आते हैं एग्जाम्पल, एक मिनट भाई, ठीक, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल की देखिए, यहां पर इतना याद रखिए कि प्रॉपर नाउन, पहले इसको प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी किसी आर्टिकल्स का यूज, प्रॉपर नाउन के साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है ना। लेकिन बेटा जब प्रॉपर नाउन को स्पेशल बना दिया जाए, तब वहां पर प्रॉपर नाउन के पहले भी द का यूज किया जाता है। क्लियर है ना? जैसे हम कहें, जैसे मुकेश, यहां समझिएगा, मुकेश इज, है ना, मुकेश इज द ग्रेटर, या कुछ और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा ताकि आपको अच्छे समझ में। जैसे देखो बेटा, एक मिनट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, शेक्सपियर भी तो नाम है यार, कालिदास भी नाम है ना। ये दोनों प्रॉपर नाउन है, यहां समझिएगा, दोनों प्रॉपर नाउन है। और तुमको पता है प्रॉपर नाउन के पहले कभी ए एन द का यूज नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर देखो, अब सुनो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये चीज हुआ। तो यहां पर देखो, हाँ ठीक है, कालिदास जी जो है, कालिदास को जब स्पेशल बनाया गया, स्पेशल क्या बनाया गया, सॉरी, कालिदास को नहीं, यहाँ शेक्सपियर से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर देखो, इंडिया के शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर अपने रीजन में एक काफी फेमस पर्सनालिटी है ना। अब यहाँ देखिए, शेक्सपियर के पहले क्या लगा दिया गया, द, क्योंकि, क्यों, क्योंकि शेक्सपियर को हम स्पेशल दिखा रहे हैं भाई। शेक्सपियर से कंपेयर हम किसकी कर रहे हैं, कालिदास से कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ दा के पहले, कालिदास के पहले तो दा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि हम स्पेशल किनको, शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब शेक्सपियर को स्पेशल बना रहे हैं भाई। भारत के शेक्सपियर कौन है, कालिदास। तो यहाँ देखिए, अभी सिचुएशन में लग गया, क्लियर, बाकी परेशान मत होइए, और सारे एग्जांपल बताया जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट यूज पर। और हाँ, एक चीज और है, सुनिए भाई, अब एक चीज और ये भी देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, है ना। ये आपका जो द है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन आप यार अगर मान लो आप ये लगा देते हो, अगर आप लगा देते हो द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना, तो ये सही हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कालिदास को हम स्पेशल दिखा रहे हैं भाई, कालिदास को भी स्पेशल दिखा रहे हैं और शेक्सपियर को भी स्पेशल दिखा रहे हैं। जरा देखो, कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, यानी कि शेक्सपियर उनको तो स्पेशल बना रहे हैं, लेकिन उनसे कंपेयर करके हमने कालिदास को भी क्या बना दिया, एक स्पेशलिटी दिखा दिया। तो यहां पर दा कालिदास एक्चुअल में सही यही है, कालिदास के पहले हमेशा दा लगेगा, और जबकि कालिदास नाम है, नाम के पहले यार कभी दा वा नहीं लगता, लेकिन यहाँ लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशलिटी दिखाई। हाँ, बीच में भी लगा सकते हो तब, लेकिन कंडीशन क्या है, स्पेशल बनाना है ना। और यार कोई भी स्पेशल होगा तो उनको सम्मान तो दिया ही जाएगा, बकायदा अलग तरह से सम्मान दिया जाएगा। क्लियर है ना, ये चीज हो गया आपका। अब जैसे आप लोग रूल पढ़ते हैं, छोटा छोटे रूल ऐसे रटते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे यार ऐसे रूल, आप लोग क्या पढ़ते हो, इस तरह का रूल पढ़ते हो, एक मिनट, जैसे आप कहते हो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, बोलो भाई, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। यार रटोगे है ना, अब नहीं रटोगे, क्यों? ये तो ठीक है, एक रूल वाइज आप समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल समझ लो ना, कॉन्सेप्चुअल समझ लोगे तो रूल कभी भूलेगा ही नहीं, तो ऐसे रूल याद करते रहोगे, भूलते रहोगे। और यार रूल तो बहुत, रूल बहुत ऐसे बनाया जाए अभी जो है, 50-60 रूल ऐसे बन जाएंगे, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, देश भर का, दुनिया भर चलता रहेगा ऐसे, है ना। अब यहाँ आप, हम ये तो एक रूल है नॉर्मल सा, अब देखते हैं, जैसे आप ही बताओ यार, हम कह दें यू आर बेस्ट ऑफ माई क्लास। अब देखो बेटा यार,
मेरी क्लास में, यानी कि मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना, जितने भी स्टूडेंट उनमें से तुम, अब बताओ पूरे क्लास के बच्चों में से तुमको स्पेशल बना दिए कि नहीं, टॉपर पहुंचा दिए? अब भाई जब तुमको यार स्पेशल बना दिए तो भाई लोग यहाँ दा का यूज, अब बताओ यहाँ रटोगे आप? यार रटने वाला सवाल ही नहीं है, सिंपल सा, यू आर द बेस्ट। क्यों? क्योंकि पूरे क्लास में से आपको द बेस्ट, अब यहाँ पर यार द बेस्ट स्टूडेंट आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, द बेस्ट मैन, द बेस्ट स्टूडेंट यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो अब बताइए आप भी स्टूडेंट हो, क्लास के बच्चे भी स्टूडेंट हो, लेकिन उन सारे क्लास में केवल किसको स्पेशल बनाया गया? आपको बनाया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, द का यूज होगा। एक स्पेशल वाला ये चीज याद रखो, बाकी रूल है रटना है तो रटो यार, कौन रोका है ना, कौन रोका है भाई। जैसे अब रूल, आई एम गोइंग टू गेट ऑनलाइन क्लास, ओके बेटा यू कैन गो नाउ। चलिए ठीक, फिर अब आते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एक ऐसे रूल है यार, देखो जितने भी रूल है ना, सारे रूल को हम ये फॉलो जरूर करवा सकते हैं कि जो है हर रूल में स्पेशलिटी का रूल दिखाया जाता है। जैसे एक है यार किसी स्पेशल पर्सन के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए, जैसे अब ये बताइए हम कह दें यार बुक, समझिएगा एग्जांपल, बुक यू वांट ठीक हैज बीन लॉस्ट, Has been lost. अब यहां समझिएगा, मतलब बुक वो किताब जिसे आप चाहते थे वो क्या हो गई, खो गई। अब यार देखो किताब को स्पेशल बनाए कि नहीं, कैसे बनाए यार, वो किताब खो गई है, सारी किताब नहीं, जो आप चाहते थे वही किताब खोई, बाकी सब तो है। अब यहाँ पर स्वाभाविक डा का यूज होगा ही, अब यहाँ ए ए का यूज नहीं होगा, एन का यूज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, दा होगा, क्योंकि दा बुक, क्योंकि हमने बुक को स्पेशल बनाया, और क्यों स्पेशल बनाया, क्योंकि वो खोई है, उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, यहाँ पर अगला देखिएगा, इसको ऐसे अरेज कर दिया गया, एग्जांपल में लिखे आप लोग, चलो कोई बात, जैसे हम कह दें ही इज मैन, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ही इज आ मैन होगा, या ही इज द मैन होगा, समझेगा, या ही इज एन मैन होगा, यहां पर कौन सा मैन होगा, और हु टाट मी इंग्लिश, हु टाट मी इंग्लिश, यहां समझ लीजिएगा इस पे। जैसे यहां मान लीजिए कोई पर्सन है यार, और हम कह रहे हैं देखो ये पर्सन है, हम कह रहे हैं ही इज अ मैन, द मैन, एन मैन, क्या होगा इसमें बताइए, इसमें क्या होगा भाई, ही इज अ मैन होगा या द मैन होगा या एन मैन होगा? एन तो होगा नहीं, ये तो हाँ एन होगा, एन कैसे होगा, क्योंकि भाई मैन कॉन्सोनेंट साउंड है, एन तो बिल्कुल नहीं होगा, नाउन के लिए, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो तो पूरा एन तो होगा नहीं, वैसे भी नहीं होगा, चलो ये कट हो गया, देखो बेटा आगे सेंटेंस पढ़ोगे, ये वही आदमी है जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया, हम स्पेशल आदमी की बात कर रहे हैं, ये वही आदमी है जिसने मुझे सिखाया। अब सुनो ध्यान से, ये अगर आप द का यूज कर रहे हैं इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं, है ना, ये वही आदमी है, यानी कि आदमी को हम स्पेशल, हजारों लाखों आदमी है, हमने उनमें से कह रहे हैं ये भैया वही आदमी है जो हमें इंग्लिश सिखाई है, मतलब जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया, क्लियर? तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ है ना, लेकिन अगर आप एन मैन का यूज कर देते हैं, सॉरी आ मैन का यूज कर देते हैं, ही इज आ मैन, इसका मतलब आप जानते नहीं है, ये कोई आदमी है जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया, ऐसा थोड़ी है कि आपको इंग्लिश भी सिखाया आप जानते भी ना हो, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, है ना, और यहाँ पर द मैन होगा, क्यों, क्योंकि मैन को हमने क्या बनाया, स्पेशल बनाया, और ये आगे वाले सेंटेंस से पता चलता है, भाई उसने मुझे इंग्लिश सिखाया, कई सारे मैन हैं,
लेकिन हम उस मैन की बात कर रहे हैं जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया, तो यहाँ पर क्या होगा, द मैन। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, आ गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत? चलिए ठीक, तो ये आपका पार्ट वन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल आपका ग्रो कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।